ऊपर से है शक्ति, इसमें अंदर से है नरमी। पत्थर दिल भी पिघले, आखिर बात में ऐसी गर्मी। आन बान से जीने वाली दुखियों की है जान। सपने में भी दिख जाए तो ज़ालिम हो परेशान। मर्यादा ताई जीवन की शान, ताई जीवन की मर्यादा, ताई जीवन की शान। एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान, एक लगन बस रहती इसको जाग उठे इंसान। भाई रहीम भाई, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ गया। आज कितना खुशी का दिन है। अरे जुबेर भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई, अभी तक सारे काम ठीक होते जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह आगे भी सारे काम ठीक ही होंगे। हाँ अल्लाह मियाँ खैर करेंगे भाई। अरे मियाँ जरा दो लड्डू तो दीजिए। अभी लाया जी। जुबेर भाई, अगर हम लोग शादी की तारीख भी तय कर लेते तो ठीक रहता ना। रहीम भाई, जो मुनासिब समझो तय कर लो, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं। तो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं अगले महीने की हम लोग 10 तारीख तय कर लेते हैं, उस दिन जुम्मा भी है। अरे वाह, हाँ ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, जुम्मे की नमाज के बाद हाँ। निकाह हो जाएगा। अरे वाह जुबेर भाई। अरे ला भाई लड्डू दो। जुबेर भाई मुंह मीठा कीजिए। जुबेर भाई आज का दिन बड़ा मुबारक है, अभी तक हम दोस्त थे और अब हम समझू हो जाएंगे। रहीम भाई हाँ। इस खुशी के मौके पर आप भी अपना मुंह मीठा कीजिए ना। रहीम भाई जो लेन देन की बात करनी है अभी तय कर लीजिए ना, वरना बाद में कहेंगे कि दोस्ती में मारा गया। अमल हाल विलाख हुआ जुबेर भाई। अरे आपको ये बात कहते शर्म नहीं आई? अरे भाई जो देना है सो दे देना, रुखसाना मेरी बेटी नहीं है क्या है? सच और क्या। अरे ताई, ताई नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आइए ताई बैठिए। आप भी लड्डू खाइए। अरे किस चीज के लड्डू? अरे ताई पहले आप खाइए तो सही ना, पहले बता किस लिए तू लड्डू दे रहा है ये बता। ताई तुम्हारे पोते और पोती की शादी कर रहे हैं, बस उसी खुशी में लड्डू खाइए आप। तेरी बेटी रुखसाना और तेरे बेटे नसीम की? हाँ ताई। हाँ, बस आप आशीर्वाद दीजिए। अरे उनकी माओ से भी पूछ लिया है या राह चलते यूं ही शादी तय कर दी? अरे ताई उनसे क्या पूछना भाई, शादी ब्याह की बातें मर्द लोग ही तय करते हैं और औरतें तैयारी करती हैं बस। तब तो ये लड्डू मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि जरीना और शमीमा इस शादी के लिए रजामंद है। वैसे भी वो दोनों बच्चे ही हैं, रुखसाना होगी करीब 12 साल की और नसीम होगा 14 साल का, क्यों? ताई बच्चे तो क्या हुआ, शादी तक दिन करनी है ना, बस आप जाकर उनको आशीर्वाद दीजिए बस। हाँ ताई और क्या। ना ऐसे लड्डू मैं हरगिज नहीं खाऊंगी। हाँ ताई भी अभी कभी अजीब झल्लो जैसी बातें करती है। अबे तो कब चाय बनाया यार तू, लड्डू खाओ भाई। अरे ये बूढ़ी पुरनी है ना, इसका दिमाग कभी कभी ठिकाने नहीं रहता। हाँ अरे बात पक्की करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। देखो बेबू लड़के वाले खुद हमारे घर पर चल कर आए हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? कुछ भी हो मुझे ये शादी अभी नहीं करानी। अरे अपनी बेटी अपने घर पर ही तो है, यहाँ नहीं रहेगी तो वहाँ रहेगी, और सुनो उसे वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ ये सब कहने की बातें हैं, ससुराल ससुराल ही होती है। बेगम अब गुस्सा छोड़ो और राजी खुशी हाँ कर दो। जरा सोचो हमारे ना करने पर रहीम भाई क्या सोचेंगे। मैं कुछ नहीं जानती। ये शादी तो होकर रहेगी बेगम, मर्दों के फैसले इतनी आसानी से नहीं बदलते।
अरे आ गए आप? आ गए। लो पकड़ो। क्या है? खुद ही खुलकर देख लो भाई क्या है। मिठाई? हाँ मिठाई। कहाँ से आई? अच्छा बेगम तुम खुद ही बताओ कहाँ से आ सकती है मिठाई। अब बता भी दो। अरे भाई जुबैर ने भिजवाई है। जुबैर ने? वो किस लिए? अरे बेगम पहले खा तो लीजिए फिर बताता हूँ। अब ज्यादा पहली मत बुझाओ। वो क्या है बेगम अपना नसीब है ना भाई हमने उसका रिश्ता तय कर दिया है अपनी रुखसाना से। क्या? वो क्या है बेगम एक घर का अकेले काम करते करते तुम थक जाते हो अब घर में बहू आएगी तो तुम्हें भी तो कुछ सुकून चाहिए ना क्यों? अरे घर में क्या पहले काम कम है जो एक छोटी बच्ची को बिहार ला रही हूँ। अरे भाई तो फिर क्या हुआ घर की बच्ची है अपने घर में रहेगी अरे भाई खेलेगी कूदेगी पढ़ेगी लिखेगी उसमें क्या समस्या है? हा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं और अभी दोनों बच्चे हैं। पर देखो अरे हम तो बात पक्की कर चुके हैं। अभी मैं कब मना करती हूँ पहले बच्चों को पढ़ने तो दो। अरे भाई बेगम हम तो तारीफ भी तय कर चुके हैं और फिर जुबैर क्या सोचेगा कि मैं अपनी जुबान से मुकर गया। अरे भाई जुबैर से मैं किस मुंह से बात करूंगा बेगम अब। आप नहीं बता सकते तो मैं बता दूंगी। अरे बेगम सुनो तो बेगम मैं खुद जरीना से बात करूंगी। अरे तुम क्या बात करोगी मैं जुबैर से बात कर चुका हूँ बेगम अरे बेगम सुनो तो मेरी जीती रहो। अरे मैं तो तुम दोनों के पास ही आने वाली थी। सलमा बेटी जरा तू संभाल ना। और कैसी हो तुम? जी ठीक है ठीक हो। क्यों जरीना शमीमा कब चढ़ रही है देर? बिरयानी हमें खाने को मिलेगी भी या नहीं? अच्छा ये बताओ ये शादी तुम दोनों की मर्जी से हो रही है? नहीं ताई हमने बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं ये शादी हर हाल में होके ही रहेगी। कहते हैं ये मर्दों का फैसला है। अरे वाह मर्दों का फैसला? कैसा फैसला? फैसला ना हो गया कोई लाट गवर्नर का हुक्म हो गया। कोई कायदा कानून है कि नहीं? जरीना तुम्हारी बेटी तो 7वीं क्लास में पढ़ती है ना? जी मास्टर जी हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी लड़की खूब पढ़े लिखे। ये तो हमारी ही किस्मत खराब थी जो हम पढ़ लिख ना सके। कोई बात नहीं वो जरूर पढ़ेगी। और शमीमा तुम क्या कहती हो? नसीम तो अभी बच्चा है ताई और इस उम्र में क्या शादी ब्याह? अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो हो जाएगी शादी। शाबाश मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। दोनों आज शादी का सामान लेने गए हैं। अच्छा आप ही समझाइए इन लोगों को तभी ये दोनों मानेंगे। अरे ये शादी कानूनी तौर पे गलत है और सामाजिक तौर पे भी। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करना कानूनी अपराध है। इसमें कैद भी हो सकती है। अरे जेल और जुर्माने की बात तो छोड़ो पहले जिस्मानी तौर पर दोनों शादी के लायक तो हो। शादी का बोझ उठाना कोई खाला अम्मा का खेल नहीं है। फिर क्या किया जाए कैसे रोका जाए दोनों को? तो समझाया बुझाया जाए। अगर समझाने से बाज नहीं आते तो उसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? वो मुझ पे छोड़ दो। अब मास्टर जी तुम तो लो छुट्टी। अब हम करेंगे मर्दों का फैसला। हाँ आदाब मास्टर साहब। ताई आदाब आइए आइए तशरीफ रखिए। भाई आप लोगों ने क्यों जहमत की मुझे ही बुलवा लिया होता। क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? क्यों भाई आप ही का मदरसा है। जी फरमाइए। क्या बात है बच्चे नजर नहीं आ रहे? बस अभी अभी उन लोगों की छुट्टी हुई है। जुबैर की लड़की भी तो आप ही के यहाँ पढ़ती है ना? जी हाँ लेकिन आजकल मदरसा नहीं आती। क्यों भाई? उसकी शादी होने वाली है ना।
लेकिन शादी का पढ़ाई बंद होने से क्या ताल्लुक? भाई गांव में शादी हो रही है, पर्दे का एहतमाम तो करना ही होगा ना। लेकिन मौलवी साहब जी फरमाइए। रुखसाना तो अभी बहुत छोटी है और इतनी कम उम्र में शादी करना क्या ठीक है? ताई जमाना बहुत खराब है, शादी जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा है। यूं भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, एक अच्छा रिश्ता ढूंढना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। लोग बेशर्मी की हद तक दहेज में मोटी मोटी रकमें मांगते हैं। अब भला आप ही बताइए, एक गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से देगा? और फिर यहाँ तो आपस का मामला है, बखैर खूबी गुजर जाए अच्छा है। यही तो हम नहीं चाहते मौली साहब कि ये शादी इतनी आसानी से हो जाए। क्या कहा आपने, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मौलवी साहब इसमें समझना क्या और समझाना क्या, ये छोटी सी बात है, आपको यूं ही समझ आ जानी चाहिए। अब इतनी कम उम्र में लड़के लड़की का ब्याह क्या किसी भी लिहाज से बेहतर हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता ताई, बस आदमी समझदारी से निभा करे। मौलवी साहब निभाने के लिए अकल भी चाहिए। जी और इतने छोटे बच्चों के साथ क्या आप अकल की उम्मीद रख सकते हैं? भाई ताई 100 बात की एक बात है, शादी करने का फैसला उनका अपना है, ये उनका आपस का मामला है, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या? बस ये शादी रुकवा दीजिए। ये नहीं हो सकता भाई, कमाल करते हैं आप, पता है ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है फिर तो हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। फिर आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं मौलवी साहब। जी आप लोग मुझे धमकी देते हैं है? देखिए आप पुलिस का डर दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते हैं। तो ठीक है फिर अंजाम के लिए तैयार रहिए। चलो मास्टर। तो फिक्र मत कर मास्टर, इन सबका इलाज है मेरे पास। रहीम भाई अब क्या होगा, सब उल्टा उल्टा हो गया, घर में भी और बाहर भी। जुबेर मियां आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अल्लामिया हमारे साथ है और फिर हम कोई काम थोड़ी कर रहे हैं। कोई वो तो अच्छा है कि मौलवी साहब हमारे साथ हैं, वरना सब गड़बड़ हो जाता। जुबेर भाई अगर कहीं मौलवी साहब ताई और मास्टर की बातों में आ गए तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। बस तो किसी तरह मौलवी साहब को इस बात के लिए राजी कर लो कि वो इन दोनों का निकाह ना पढ़ाए। आप उसके लिए फिक्र मत कीजिए, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सुना तुमने? अरे छोड़ो इनको, ताई को तो इन बातों के अलावा और कोई फुर्सत ही नहीं है। चलते हैं जुबेर भाई, बहुत सारे इंसान पड़े और सारा काम वैसे का वैसे ही पड़ा अभी तक। आओ आओ चले, आइए चलिए चलो। कुछ जल रहा है। अभी तक आपने इन्हें भी नहीं संभाला। सामान अभी ठीक ढंग से नहीं रखा इसने,
स्कूल भी जलता छोड़ गई। लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। आओ रहीम मियां, मैं ये काम क्यों करूं भाई? चलो कर ही देता हूं भाई। नहीं ये सब काम तो औरतों के हैं, हाँ हमारे बस की बात नहीं है ये। हाँ लगता है तुम्हारी कुछ तबीयत नासाज है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर आपको कुछ खराब लगे तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ भाई अगर घर में सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो तबीयत तो खराब होनी है। खैर देखा जाए। भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है आजकल? अरे लो खाना ऐसा लगता है भला, बेटे की शादी है तो ये हाल है। अरे होश और आस कहाँ है तुम्हारे, दुरुस्त है कि नहीं? बेटी की शादी होगी तो अल्लाह ही मालिक है भाई हमारा तो। चलो रहीम मियां कोई बात नहीं। अरे ये मिर्चों की सारी शीशी इसी में उगल दी क्या तुमने? अगर अपने मन की करोगे तो यही सब भुगतना पड़ेगा। बेटी रुखसाना। जी अम्मी। तुम्हारा काम ठीक से चल रहा है ना? जी ठीक चल रहा है। अरे बेगम क्या है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या हो रही है? अरे घर में शादी का आया है, कोई चहल पहल नहीं, कोई मेहंदी नहीं, कोई गीत नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कमाल है भैया। बेटी रुखसाना। जी अब्बू। अब बेटा पढ़ना लिखना बंद करो और कॉपी किताब रख दो। नहीं मुझे पढ़ना है अब्बू। मैंने कहा रख दो। नहीं रखो, चुपचाप अपना काम करो। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या हो गया, ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेगम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, वक्त वाकई बहुत कम है। अच्छा तुम लोगों के मन में जो आए वो करो, हमारे मन में जो आएगा वो हम करेंगे। अरे बेगम जरा कुर्ता ला दो। लाती हूँ। अब्बू मुझे 10 रुपए दे दीजिए। बेटा 10 रुपए किस लिए? अब्बू मेरी कॉपी भर गई है। मैंने कहा ना पढ़ना लिखना बंद करो। नहीं मुझे पढ़ना है अब्बू। कहा ना कॉपी किताब रख दो। नहीं मुझे पैसे दीजिए, मुझे काम करना है। जब मदरसा नहीं जाना तो काम किस बात का? नहीं मैं तो मदरसा जाऊंगी। देखिए बेगम ज्यादा पढ़ाने लिखाने का ये नतीजा है। ठीक ही तो कह रही है, दे दीजिए ना पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है। देखो बेटा ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मेरा कुर्ता दो, मुझे देर हो रही है। अभी क्या हो गया मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो बीमार पागल हो गया है। बटन नहीं है, कम से कम बटन डाल दो। अब घर में बटन है कि नहीं? नहीं देखती हूँ। यार इतनी जल्दी करो, उतनी देर हो रही है। अरे देखो जल्दी ले जाओ, मुझे देर हो रही है। छुटकारा तो मिलेगा। या अल्लाह ये घर है या आफत? मेरा चश्मा कहाँ है? देख लो वहीं पे कहीं रखा होगा,
मैं अभी काम कर रही हूँ। अरे काम बाद में कर लेना, पहले मेरा चश्मा ला कर दे दो मुझे, बहुत देर हो रही है। पता नहीं टाइम कितना हो गया, ये घड़ी में तो नहीं दिख रही। अरे बेगम आ जाओ भाई, मेरी घड़ी में नजर नहीं आ रही मुझे। दो मिनट टाइम से नहीं ले सकते क्या? जब भी काम करने लगो बेगम ये नहीं है, बेगम वो नहीं है। अरे आप अपना सामान हिफाजत से खुद नहीं रख सकते क्या? बेगम दोनों चीजें तो रखी थी यहीं पर मैंने। तो क्या जिन उठा के ले गया? चश्मा पहले इसे पकड़ो, उसे भी लेकर आती हूँ। पहन लेता हूँ इसे ना। कर दिया ना सारा खेल चौपट, अभी हफ्ता दिन भी ना हुआ और चश्मा शहीद हो गया। तो हम क्या करें, आप खुद ऐसे पकड़ते हैं जैसे हाथों में दम नहीं है। देखिए बेगम लगाई देता हूँ, इस तरह का इल्जाम आप मुझ पर मत दीजिए। और किस तरह का इल्जाम लगाऊं? सारे घर की और बाहर की मुसीबत तो मेरे सर पे ला देते हो और कहते हो कि इस तरह के इल्जाम न लगाऊं। आप जुबैर का सारा पैसा वापस क्यों नहीं करते? जुबैर का पैसा? बेगम ये तुम्हें किसने बताया? जुबैर की बेगम ने, और किसने? 10 बातें सुनाकर गई है, घर में उसकी बेटी का निकाह है और आप ऐसे हैं कि बेगैरत की तरह उसका सारा पैसा हजम करके बैठे हैं। बेगम वो तो मैंने वो क्या, चुपचाप उसके सारे पैसे वापस कर देना, समझे? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा बेगम दे दूंगा, मैं उसका पैसा लेकर भागा नहीं जा रहा हूँ। जुबैर भी अजीब बेवकूफ इंसान है, इसे कितना समझाया था। अरे भाई आपस का लेन देन का मामला है लेकिन कहां सुनता है मेरी, बता दिया सबको। भाई तुम? हाँ। अरे सर पर क्या उठा रखा तुमने? अरे नाई एन मौके पर धोखा दे दिया। अरे मेरे नौकर ने भी काम करने से मना कर दिया। अरे जुबैर भाई शादी का संदेश है, मैंने सोचा अगर ये नहीं पहुंचेगा तो शादी कैसे होगी। लेकिन यार पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जुबैर भाई कभी नहीं हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सुनो लेकिन ये हो क्या रहा है, तुम ही बताओ क्या हो रहा है। सुनो मेरे दोस्त तुम हिम्मत मत हारना, दोस्ती पर कोई आंच ना पाए। अरे नहीं नहीं दोस्ती पर आंच कैसी आएगी, पकड़ो तो। तभी तो पकाया तुम्हें, बहुत भारी है। सुनो अब जल्दी से खिसक लो, कोई आते जाते में देख लिया ना तो बड़ी बेइज्जती होगी भाई। मेरे भाई ये दिन भी देखने बाकी रह गया था क्या? हाँ भाई पता नहीं अल्लाह क्या क्या दिखाएगा, निकल लो खुदा खुदा हाफिज। बच के जाना गली में पीते हैं। अरे आओ जुबैर आओ, रहीम आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठो। और सुनाओ हो गई तैयारी पूरी? तैयारी कैसे होगी मौलवी साहब? क्यों भाई क्या हुआ? आप ही बताइए, शादी ब्याह क्या सिर्फ मर्दों का काम होता है क्या मौलवी साहब? हाँ हाँ भाई, जब तक घर की औरतें हाथ नहीं बटाएंगी काम कैसे होगा बताइए तो। हम तो तंग आ चुके हैं, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये
ये औरतें ऐसा क्यों कर रही हैं? कहीं ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा? ये देखो, ये बेगम का मिजाज भी जो है ना, कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। चश्मा तोड़ दिया, घड़ी की सुई आगे बढ़ा दी, आखिर ये माजरा क्या है? मियां, मैं तो कहता हूं कि हमारी खैरियत नहीं है, ईमान से कह रहा हूं। हो ना हो, हम लोग जानबूझकर सताए जा रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। और हाँ एक बात और सुन लो, कान खोल कर। जी। इन सब के लिए मेरा शक ताई पर जाता है। ताई पर? हाँ, उसने ही इन सबको भड़काया है। ऐसी बात है? हाँ। तो मौलवी साहब ताई उतर के पूछने क्या बात है। चलो अरे नाको तले चने चुपवा दिए, अब भूल कर भी अपनी मर्जी नहीं थोपेंगे। कम उम्र में बेटी के ब्याह के बारे में तो कभी सोचे नहीं। किसी बात पर लड्डू खाकर मुंह मीठा किया जाए। शर्मा बेटी, बड़ी पते की बात कही, मैं खिलाऊंगी लड्डू सबको। मैं जीत गई ताई, मैं जीत गई। अरे हम सब जीते हैं। चलो चलो फिर से खेलें। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या। बहुत अच्छा सोचा तुमने। चलो बच्चों।